स्वागत करता हूँ मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जीएसटी का जो रिटर्न का ड्यू डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 का, जो हम लोग अगस्त में करेंगे या फिर जो लोग क्वार्टरली बेसिस में है उन लोग के लिए क्या क्या ड्यू डेट है वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चलते हैं टॉपिक का पर। इसको आप क्या करेंगे, जो ऑफिस में जो काम करते हैं या फिर जो लोगों का क्लाइंट है, इसको आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के या स्क्रीनशॉट लेके आपका ऑफिस के सामने लगा देंगे तो आपको ड्यू डेट रिमाइंड रहेगा। ठीक है, पहले डिस्कशन करते हैं जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। उसका ड्यू डेट है 20 अगस्त 2021। जो लोग जीएसटी 3B क्वार्टरली लगाते हैं जुलाई से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर में, उसका ड्यू डेट अक्टूबर 22-24। यहाँ पे दो डेट दिया गया स्टेट वाइज डेट, आप देख लेंगे कौन सा स्टेट में आप रजिस्टर है। उसके बाद जीएसटी 1 जुलाई 2021 का, उसका ड्यू डेट 11 अगस्त 2021। IFF जो लोग का QRMP स्कीम ऑप्शन चूज करके रखें यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला स्कीम ऑप्शन करके रखें, उन लोग का B2B सेल होगा उस महीने में यानी जुलाई 2021 का में, तो उन लोग के लिए IFF के भरने के लिए यहाँ पे 13 अगस्त 2021 ड्यू डेट है। GSTR 1 जिन लोगों का क्वार्टरली बेसिस चूज कर रखें यानी जुलाई से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर, आपका ड्यू डेट है 13 अक्टूबर 2021। ऐसे ही CMP 08 जुलाई से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर में आपको ड्यू डेट है 18 अक्टूबर 2021। ऐसे ही GSTR 5 जुलाई 2021 का, आपको 20 अगस्त 2021 के बीच में भरना चाहिए। ऐसे GSTR 5 पे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 का, उसका भी ड्यू डेट है 20 अगस्त 2021। GSTR 6 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021, उसका भी ड्यू डेट है 13 अगस्त 2021। ठीक है, ऐसे GSTR 7 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 का 10 अगस्त 2021। ऐसे GSTR 8 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021 का 10 अगस्त 2021। ऐसे RFD 10 जिन लोगों का रिफंड वगैरह का है वो 11 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर फॉर विच रिफंड इज टू बी क्लेम्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया था कि आपका जो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 का आप रिटर्न लगाया नहीं, GST फाइलिंग नहीं किए, उसमें लेट फी जो है वेव किया गया था, उसमें रिड्यूस किया गया था लेट फी आपका, उसका ड्यू डेट है 31 अगस्त 2021 का लास्ट डेट है, उसका बीच में आप कर देते हैं तो आपको लेट फी जो है वेव किया गया है। क्या क्या लेट फी वेव किया गया है एक बार डिस्कशन करते हैं, आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं। जो लोग रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं, कौन सा रिटर्न GSTR 3B फॉर्म जो है GSTR 3B फॉर द मंथ हो, मंथली हो या क्वार्टरली, जो लोग फाइलिंग करते हैं जुलाई से लेके जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 का बीच में, उन लोगों के लिए क्या है ना ड्यू डेट दिया गया था कि आप इस बीच में 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में आप रिटर्न लगा देते हैं तो आपको लेट फी जो है वेव, मतलब वेव हुआ है उसमें रिड्यूस किया गया है, जो लेट फी बहुत ज़्यादा आता था उसमें रिड्यूस किया गया है। क्या रिड्यूस किया गया, जिन लोगों का जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में GST 3B लगाए नहीं, लगा रहे इस बीच में, इस बीच में जून से लेकर अगस्त के बीच में, तो उन लोगों का मान लीजिए उस पीरियड में यानी जुलाई से लेके अप्रैल 2021 का बीच में कोई उस जो टैक्स लगा रिटर्न लगा रहे हैं GST 3B लगा रहे हैं उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है तो आपको लेट फी मैक्सिमम आपको कितना लगेगा, 500 रुपया मैक्सिमम लगेगा। इसमें समझ में आ गया, यानी जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 का रिटर्न आपका 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 का बीच में लगा रहे हैं, उस रिटर्न जो लगा रहा है जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 का रिटर्न लगा रहे हैं इस पीरियड में, उसमें टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं आ रहा है तो आपको मैक्सिमम लेट पे कितना लगेगा, 500 रुपया लगेगा। लेकिन इसी बीच में आप जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 का टैक्स लायबिलिटी कुछ आ रहा है GST 3B में, आप इस पीरियड में आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में आप रिटर्न लगा दे रहे हैं, कौन सा रिटर्न आपका जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के बीच में कोई भी मंथ का आप रिटर्न नहीं फाइलिंग किया, अभी फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें टैक्स लायबिलिटी कुछ आ रहा है तो आपको मैक्सिमम 1000 रुपया लेट फी लगेगा।
तो आपको दो कैटेगरी इसमें देखना है कि इस बीच में कोई भी मंथ आप रिटर्न फाइलिंग नहीं किए हैं, तो आपको देखना है कि उस मंथ में टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आपको 500 रुपया पर रिटर्न आपको लगेगा। ये जो 500 रुपया या 1000 रुपया ये पर रिटर्न है, ठीक है। तो आप उसी बीच में कोई भी रिटर्न आप मान लीजिए भर रहे हैं, तो ये जुलाई से लेके अप्रैल 2021 का रिटर्न आप इसी महीने का बीच में भर रहे हैं, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी कुछ नहीं है उसमें, तो आपको 500 रुपया लगेगा पर रिटर्न। यहाँ पे कुछ टैक्स लाइबिलिटी है उस रिटर्न में, तो आपको 1000 रुपया लगेगा पर रिटर्न, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो का अच्छा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ ड्यू डेट के बारे में पता करना है तो मेरे को कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।